बच्चों आपकी कक्षा में हम एक प्यारी सी कहानी सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक बहुत हरा भरा सा प्यारा सा जंगल था जिसमें बहुत से जानवर रहते थे, बहुत हरे भरे पेड़ पौधे थे। उसमें एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। ठीक है, लोमड़ी बहुत चालाक होती है ना। उसको अचानक से उस दिन बहुत तेज से भूख लगी। आसपास उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा था और भूख के मारे वो परेशान थी बिल्कुल। फिर अचानक से उसकी नजर एक बड़े से पेड़ पे गई। वहां पे उसने देखा एक मुर्गा पेड़ पे बैठा हुआ था। अब उसने अपना दिमाग लगाया, उसने सोचा अगर मैं मुर्गे को किसी तरह पेड़ से नीचे उतार लूं तो आज तो मेरी अच्छी दावत हो जाएगी। तो उसने मन ही मन सोचा, एक योजना बनाई। ठीक है, और मुर्गा बहुत प्यारा था, हट्टा खट्टा था। उसकी उसको देख करके लोमड़ी के मुंह में बिल्कुल पानी आ रहा था। बस उसने तरकीब लगाई और मुर्गे के पास जाके बोला कि मुर्गा भाई, तुम्हें पता है आप पूरे जंगल में सारे जानवरों में एक नई योजना बना रही है कि अब कोई भी जंगली जानवर किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। सारे बहुत प्यार से रहेंगे, कोई किसी को नहीं खाएगा, सब लोग अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। अब मुर्गे ने सोचा कि लोमड़ी ऐसे कैसे कह रही है। फिर वो थोड़ी देर पेड़ पे बैठ के सोचता रहा कि लोमड़ी तो झूठ है, इसकी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर उसने मुर्गे ने भी अपना दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने कहा कि ठीक है लोमड़ी भाई, अच्छी बात है। देखिए, मैं पेड़ पे बैठे बैठे देख रहा हूँ, कुछ शिकारी कुत्ते आपकी तरफ चले आ रहे हैं। अब चलिए, अच्छी बात है, पूरे जंगल के जानवरों में दोस्ती हो गई है। अब आपको शिकारी कुत्तों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या हो गया? जैसे ही ये बात लोमड़ी ने सुनी, वो वहां से दुम दबा के फर्राटे से दौड़ के भाग गई बाहर। ठीक है, इस तरह से मुर्गे की जान बच गई। तो बच्चों, आपने क्या सीखा कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, किसी की कहीं सुनी बातों में आकर के अपना बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले सोचेंगे समझेंगे फिर कोई काम करेंगे। चलिए, थैंक यू। देखिए, आपको ये मुर्गा भी बाय बाय कह रहा है और ये डॉग भी। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।